जी हम बचपन में एक दूसरे को जानते थे, मेरी बहन की शादी हुई थी तो हम 10-11 साल के थे दोनों, तब इन्होंने देख लिया था, कहते थे मैं इसी से शादी करूंगा, मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। अब तो ऐसे खेलते कूदते थे बचपन में, फिर थोड़े बड़े हो गए, मम्मा ने फोन ले दिया, फिर नंबर चेंज हो गए। हाँ जी 2 महीने तो बातें करते रहे ऐसे ही, फिर नॉर्मली। हाँ जी फिर प्रपोज कर दिया। प्यार दा मतलब दा नहीं पता सी, बस ये शौक सी भी गुड़ी फसानी है, सेट करनी है जी। ऐसे ही नॉर्मल सी शादी करी, चाव तो बड़े थे पर पूरे नहीं हुए, थोड़े फोन पे बातें करते थे, 1-2 महीने में मिल लेते थे। बाकी सारे कहंदे सी भी बंदा ब्याह तो बाद तंग हो जांदा, पर मैं तंग नहीं, मैं तो खुश हां जी बहुत ज्यादा। कहंदे घर ली तेरी इन्नी सोहनी है, तेनू कित्थों लब गई, मैं कहा किस्मत दी गल हुंदी है। तो देखो तुम्हारी बहू बेटे कैसे वीडियो बनाते हैं, मम्मी कहते नहीं उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करे उनकी लाइफ है। मैं क्या भी चलो असं भी ट्राई कर लें, तो फिर मैं सोची बैठा ही, मैं कहा भी हाँ होएगी, पर इन्होंने ना करती। मैं रोने लगी, मैंने कहा ये क्या हो गया, 2 दिन बात नहीं करी, मैंने कहा ये तो रोज रोज मैसेज करते, 10-10 मैसेज करते थे, अब एक भी नहीं करते। जब मैं बचपन से गया 11-12 साल का सी कि मैं आ कुड़ी ना ब्याह कराना, मम्मा कहते थे ये तो नहीं करावांगे तेरा। नहीं थी मैं फिर देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती थी, नहीं छोड़ा जाता था, दिल नहीं करता था। एक दो बार सोचा भी छोड़ दूंगी, नहीं छोड़ना नहीं है। बहुत ज्यादा भी बीमार हो गई, उन्होंने हाथ काट लिया। अच्छा पोजो हाथ भी काट लिया, दिखाओ ते दर्श करो केड़े काम कर दियो तू। होए उनकी चक्कर में मैंने भी काट लिया हाथ अपने। तुसी भी काट लिया? हां जी। होए होए इतना गहरा प्यार? हां जी। फिर मम्मी और कहते इतना ही प्यार है, कर लो शादी, फिर बातचीत कर लो। उन्होंने बातचीत करी, फिर कह रहे ये तो मर जाएंगे दोनों एक दूसरे के बिना। बस मन वैदी कह देंदे भी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। अच्छा मम्मा आके कहंदे ने, कहंदे कोई गल नहीं तुसी बनाओ, असी तुहाडे नाल आ, घर दे पूरा साथ दिंदे ही तुहाडा। एकदम से पूरी लाइफ चेंज होगी, पहले घर में बैठे रहना है, मुंह से निकालना खाना पीना, बैठे रहो काम नहीं करना। थोड़ा बहुत करती थी मैं काम, मम्मा कराते ही नहीं थे। अब यहाँ पे भी आके थोड़ा मुझे पहले प्रॉब्लम हुई, काम नहीं आता था, फिर इनकी मम्मा ने सिखाया। रोटी मैं सुता ना ये उठा दंदी है सवेरे, मैं उठदा 11-12 बजे, ये मैंने 9 बजे उठा दूंगी, जी चाह पी लो रोटी खा लो। अच्छा बस इससे गल पीछे लड़ाई हो जाती है। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या मजबूर मेरा, तुझसे जुदा हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अज आवाम मीडिया की यह इंटरव्यू काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि अज असी जिस जोड़ी के नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे, उन्हां दीआं बहुत सारियां वीडियोज़ सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल होंदियां पईआं ने। तुहानू दस दईए कि भैन होरी हरियाणा तो ने, वीरजी होने पंजाब तो ने, दोवां दी मुलाकात हुंदी है, छोटी जी उम्र के इन्हां दा विआह हो जाता है। चारू ते राज साडे नाल मौजूद है, गलबात करदे आं। पहलां तो बहुत बहुत स्वागत है आवाम मीडिया ते तुहाडा। हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बड़ी प्यारी जी जोड़ी है, बड़ी क्यूट जी हो, तुसी कितना टाइम हो गया विआह नू? हाँ जी 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा तुसी हरियाणा तो ते तुसी पंजाब तो, भाई मुलाकात किवें हुई थोड़ी? हाँ जी मैम रिश्तेदारी में हुई है। अच्छा रिश्तेदारी? हाँ जी ये मेरी सिस्टर के देवर है। अच्छा। हाँ जी रियल सिस्टर की? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी हम बचपन में एक दूसरे को जानते थे, मेरी बहन की शादी हुई थी तो हम 10-11 साल के थे दोनों, तब इन्होंने देख लिया था, कहते थे मैं इसी से शादी करूंगा, मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। अच्छा। छोटे छोटे थे, समझ नहीं थी। पूछे कितनी उम्र दे विच तुसी सोच लिया सी भी मैं विआह करवाना ते आही कुड़ी ना करवाना? मैं सीगा जी 11-12 साल का जी। अच्छा 11-12 साल दी उम्र दे विच, ते तुहाडी उदों उम्र कितनी सी? मेरी भी 9-10 थी। हाँ जी। अच्छा। हाँ 9-10 साल दी मतलब सोच लिया सी तुसी विआह इन्हां ने करवाना। अच्छा ते फिर जिवें मिलदे वरतदे सी फिर प्यार कदों होया? हाँ जी फिर ये आते रहते थे घर पे, इनकी पूरी फैमिली भी आती थी, मिलते थे आपस में सारे, तब तो ऐसे खेलते कूदते थे बचपन में, फिर थोड़े बड़े हो गए, मम्मा ने फोन ले दिया, फिर नंबर चेंज हो गए। हाँ जी 2 महीने तो बातें करते रहे ऐसे ही, फिर नॉर्मली। हाँ जी फिर प्रपोज कर दिया। किन्होंने किया? नहीं। कितने साल की उम्र में कर दिया भाई? मैं सीखा जी उस टाइम 17 साल का सीखा जी, 16-17 साल का। अच्छा। हाँ जी 16-17 साल। की सोच के वे प्रपोज करता इतनी छोटी उम्र दे विच, ना सेटल ना पढ़ाई पूरी? मैं कहा जी पहला जिदा ना कहंदे ना बचपन च जिदा 14-15 साल की उम्र च मुंडिया नू शौक हुंदा भी हाँ कुड़ी फसानी है जी। हाय ओए ते बस वे जी मैं फसाली, मैं कहा भी चलो असीं भी ट्राई कर लैंदे आ। अच्छा ते फिर मैं प्रपोज कीता, इन्होंने मना करता। अच्छा ते फिर मैं सोची बैठा ही, मैं कहा भी हाँ होएगी, पर इन्होंने ना करती।
अच्छा। फिर 2 महीने ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਦਤ ਭਾਈ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਤ ਤੱਕ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ अच्छा। फिर इको दम मैं गल करनी बंद करती, मैं कहा मेरी लाइफ च कोई होर कुड़ी आई, क्योंकि इन्होंने मैंने मना करता सी। फिर मैं 2 दिन गल नहीं की, तीजे सच्ची आ गई सी या झूठ बोलिया? झूठ बोलिया सी, ओदे ही प्रैंक ही कीता। अच्छा, प्लानिंग पूरी प्लानिंग दे नाल तुहाडे कोले हां करवाई है, देख लो फसाया मुझे फसाया अपने जाल में। हां जी, फिर मैं रोने लगी, मैंने कहा ये क्या हो गया, 2 दिन बात नहीं करी, मैंने कहा ये तो रोज रोज मैसेज करते, 10-10 मैसेज करते थे, अब एक भी नहीं करते। जब बोला मैं तो रोने लगी, फिर कहते मैं तो झूठ बोल रहा था, मैंने कहा हाँ मैं भी पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, करे मैं तो झूठ बोल रहा था ताकि हाँ करो, हाँ नहीं करी 2 महीने से। अच्छा। हाँ जी, फिर साड़ी गलबात शुरू हो गई। अच्छा। फिर असीं मिले सी अक्टूबर च सीधा जाके। अच्छा। मैं कहा भी मैं तुहानू मिलन आना है, ते कहंदे एड्डी दूर किद्दां होंगे, घरे आ जाओ, मैं कहा घरे नहीं आना, मैं मिलना तुहानू। ते स्कूल जांदे सी असीं, फिर मिल लैंदे सी। केड़ी क्लास च पढ़दे सी उदो? 9th 8th 9। ओए 8th 9th दे विच समझ सी कि प्यार की हुंदा? नहीं नहीं सी ना समझ, बस थोड़ी बहुत ही थी, यही पता था हाँ बॉयफ्रेंड है, मिलना है, बातें करनी है। अच्छा। हाँ जी, तो थोनू समझ सी इतनी छोटी उम्र दे विच कि प्यार की हुंदा? प्यार दा मतलब दा नहीं पता सी, बस ये शौक सी भी गुड़ी फसानी है, सेट करनी है जी। हाँ देख लो आज असलियत बाहर आंदी पई है। हाँ जी, अज घर जाके थोड़ी शामत नहीं। फिर हौली हौली प्यार दा मतलब लग गया पता जी। अच्छा, नाल ही देखो फट्टी भी पोचती है, लग गया हूँ पता। अच्छा, हरियाणा तो स्पेशली ना तुसी, मतलब कि ते पंजाब तो ने, ते तो नू हरियाणवी आंदी है? हरियाणवी नहीं, हिंदी आती है, हरियाणवी नहीं आती है, हम पंजाबी है, बस वहाँ पे रहते हैं अम्बाला, तो आती हिंदी है। अच्छा, हिंदी आती है। हाँ जी, ठीक है। तो जो पंजाबी बोलते तो समझ आ जाती? समझ सारी आती है पंजाबी। अच्छा। हाँ जी, बस बोलने में मैं थोड़ी हिचकी जाती हूँ। तुसी ने कभी सोचा कि जे मैं हरियाणवी आती हूँ, मैं भी इन्होंने पुठिया सीधा गल्ला बोलिया करते, समझ नहीं आ रही सी? हाँ जी, नहीं हिंदी, मैं सोचती तो बड़ा होनी है पर बोल नहीं पाती। कुड़ी व्याह तो बाद दब तो नहीं दी तुसी? किदा मतलब कि चा च पूरे होंगे व्याह तो बाद? हाँ जी, चा तो थे कि धूमधाम से थोड़ी शादी हो, पर ऐसे ही नॉर्मल सी शादी करी, चाव तो बड़े थे पर पूरे नहीं हुए थोड़े। तो हूँ कर दे चा पूरे व्याह तो? हाँ जी, अब तो कर ही दें चा पूरे अपने। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो फिर जिम्मे फैमिली नहीं मनती, मतलब कि तुम मिलते सी ना, उस तो बाद घर कदों गल की तुम? जब हम मिलते थे, मैं पहले बाहर नहीं जाती थी घर से, कभी भी नहीं जाती थी, इनसे मिलने जाती थी, वो सोते थे पता नहीं कहाँ जा रही है, एक दो बार चली गई, मैंने शक हो गया, पता चल गया। अच्छा। हाँ जी, फिर पता लग गया इससे मिलती है, फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं करनी हमने रिश्तेदारी में। अच्छा, घर वाले ने मना करता थोड़ी कि नहीं करनी रिश्तेदारी में, नहीं करनी, अच्छा नहीं लगता, नहीं करनी ये वो, मना कर दिया उन्होंने। फिर पहले मैं सोती थी ना करूँ, फिर देख के इमोशनल हो जाती थी, कैसे छोड़ दूं। अच्छा। तो थोड़े परिवार दे मान गए सिगे? मेरे घर दे तो राजी सिगे, शुरू तो ही राजी सी। अच्छा, जब मैं बचपन च गया सी 11-12 साल दा सी, कि मैं आ कुड़ी ना ब्याह कराना, मम्मा कहंदे सी ये तो नहीं करावांगे तेरा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ते जदों घर दे नहीं मानदे सी ना, हमेशा एक फैमिली दा कुड़ियां ते प्रेशर हुंदा कि तुसी है ना साडी मर्जी दे नाल करो, तुसी किते वेल सेटल्ड फैमिली दे विच ब्याह करो, तां जो तुहाडा फ्यूचर सिक्योर हो जावे, है ना। फैमिली नूं अदा हमेशा ही प्रेशर हुंदा, कदे माइंड दे विच आए नहीं जदों फैमिली प्रेशर पाउंदी सी, भरा तुहाडे मारदे सी जिवें तुसी पहले दसदे पए सी, है ना। ते मतलब उस टाइम ते इह चीज़ां नहीं सीगियां कि यार चीज़ां नूं छड्ड के फैमिली दी गल मान लेनी चाहिए, फैमिली चंगा सोचती। हाँ जी, सोचती थी मैं, फिर देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती थी, नहीं छोड़ जाता था, दिल नहीं करता था। एक दो बार सोचा भी छोड़ दूँ, नहीं छोड़ना नहीं है। मेरा बचपन से सोचती एक ही लड़के से प्यार करना है, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मम्मी घर वालों की मर्जी से। अच्छा। हाँ जी, पूरी मतलब सोचा ऐसी दिमाग दे विच जी। ते जिवें तुसी दस्या कि थोड़े मतलब फैमिली वाले प्रेशर पाउंदे सी, कदे दा वेला आया कि जदों बहुत प्रेशर होया होवे ते तुसी बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट होए हो? हाँ जी, 3 महीने हमारी बात नहीं हुई, मेरी मम्मा तो वैसे पता था बात करते हैं, वो तो मान जाते थे, पर मेरा बड़ा ब्रदर नहीं मानता था। उन्होंने 3 महीने, एक बार मेरा बर्थडे था, ये मिलने आए, उन्हें पता लग गया कि बर्थडे पे उसी के पास हाथ मिलने जा रही है, फिर उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। फिर उन्होंने 3 महीने बात नहीं करने दी, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, बीमार होगी बड़ी, ऐसे ही कुछ पचता नहीं था, उल्टियाँ उल्टियाँ वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, बीमार होगी, उन्होंने हाथ काट लिया। अच्छा, हाथ भी काट लिया, दिखाओ दे दर्शकों केड़े काम कर दिए तुम। हाय
उनके चक्कर में मैंने भी काट लिया हाथ अपना। तुसी भी काट लिया? हाँ जी। ओए होए, इतना गहरा प्यार। हाँ जी। फिर मम्मा को भी मैंने बताया कि बीमार है, हॉस्पिटल में बीमार हो गए। फिर मम्मी और कहते इतना ही प्यार है, कर लो शादी, फिर बातचीत कर लो। उन्होंने बातचीत करी, फिर कह रहे ये तो मर जाएंगे दोनों एक दूसरे के बिना। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने कराया, बातचीत करी आपस में, फिर थोड़ी शादी कर दी। अच्छा। तो एक रिलेशन दे कितने टाइम बाद ब्याह होया? 3 साल। अच्छा, 3 साल। चौथा साल सी गई। ते ओ 3 साल दा लंबा जड़ा समा निकलिया, ओ किद्दा दा सीगा? बस फोन पे बातें करते थे, 1-2 महीने में मिल लेते थे, कभी कभी उन्हें पता चल जाता था, बोलते थे। हाँ जी। अच्छा। जो तो ब्याह आया, फिर कितनी की खुशी से? खुशी तो बड़ी, खुशी तो बहुत थी। हाँ जी। पंजाबी बोलते बोलते पिछे हो गए। हाँ जी, मेरी पंजाबी मिक्स हो गई है ना। अच्छा। यहाँ सारे पंजाबी बोलते, सुन सुन के बीच में मिक्स हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो कितनी की खुशी से दसो? खुशी जाहिर नहीं कर सकती। जाहिर नहीं कर सकती। हां जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੜਦੇ ਆ। ਸੜਦੇ ਆ ਲੋਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਓਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ कि भी तुसी ज्यादा सोने हैं, मुंडा घट सोना वा? नहीं नहीं, ऐसे कहते हैं। मैंने कहा क्यों, मेरी पसंद है, मेरी पसंद माड़ी है। अच्छा। उनका मेरे हब्बी है, मुझे अच्छे लगते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। हाँ जी। ते पाजी काम की कर दे हो? मैं जी डेली बेस फाइनेंस दा काम कर। अच्छा। ते तुसी? हाउसवाइफ। हाँ जी। बड़े क्यूट हो यार तुसी। थैंक यू मैम। अच्छा। ते कदे सोचिया नहीं जिंदगी दे विच मतलब कुछ करन दा, जो कोई सपना होवे? अभी तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा। अभी तो अभी मैरिड लाइफ एंजॉय कर दे। हाँ जी, अभी तो वही एंजॉय करनी है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ते पाजी तुसी की काम करदे हो? मैं जी डेली बेस फाइनेंस दा। अच्छा, फाइनेंस दा काम करदे हो, ठीक है। ते सोशल मीडिया ते तुसी रील्स बनांदे हो ना, काफी वायरल हो, सोशल मीडिया ते आउन दा किन्ना नु ज्यादा शौक सी? मुझे शौक था, मुझे पहले से शौक था, मैं वीडियो बनाती थी अकेली अपनी। अच्छा। फिर मैंने सोचा था मेरी शादी होएगी, फिर मैं अपने हब्बी के साथ बनाऊंगी। क्यों वीडियो बनाते ना साढ़े पंजाब के लोग इन्ने ज्यादा मतलब कि वो नहीं है, खुली सोच वाले नहीं है कि जेड़ा मतलब कुड़िया नू ना या नूहां नू खास तौर पर कि परमिशन दवे। थानू तो नहीं कभी सहुरे परिवार के किसी होर रिश्तेदार ने रोका भी आ कड़े कम मिलाते तुसी नू? नहीं नहीं, गली मोहल्ले वाले मम्मी को कहते हैं, पर मम्मी और हमारा साथ देते, कहते देखो तुम्हारी बहू बेटे कैसे वीडियो बनाते हैं। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करे, उनकी लाइफ है। वो सारे सपोर्ट करते, कहते वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो। तिपा जी थानू तो नहीं मतलब कभी किसी ने कहा भी तू भाभी नू कड़े कम लाता? नहीं जी, मैनू तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा, यार वाली किसी ने नहीं कहा? कोई बोलता ही नहीं मोहल्ले च साडे अगे। हाय, एडी तड़ी रखी हुई। मम्मा नू कह दे, लोकी कह दे, मैनू कोई कहंदा ही नहीं, मैनू पता है लड़ाका है, इन्हें लड़ पैना। अच्छा, मम्मी नू की कहंदे आ? मम्मा नू एदी कह दिंदे भी ताडी नू वीडियो बनांदी आ, उहनू रोको, ज्यादा वीडियो बनांदी आ। अच्छा। मम्मा आके कहंदे ने, कहंदे कोई गल नहीं तुसी बनाओ, असी तुहाडे नाल आ, घर दे पूरा साथ दिंदे आ तुहाडा। ओके। ते बड़ी छोटी जी उम्र दे विच व्याह करा लिया ना तुसी, मतलब कि कोई जिंदगी तो गिला शिकवा तां नहीं कि यार जेकर थोड़ा जा टाइम रुक जांदे तां जिंदगी दे विच होर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आउणियां सीगियां, कुछ चंगा हो जांदा लाइफ दे विच, पढ़ लिख जांदे? जी ऐसा तो नहीं, अब तो हम दोनों खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ में। अच्छा, 10 क्लास ही पढ़े हो ना तुसी? हां जी। ते कदे सोचा नहीं हुण अगे पढ़ना व्याह तो बाद? अब तो टाइम ही नहीं लगता। हाँ जी, अब टाइम क्यों नहीं लगता? बिजी है, मैरिड लाइफ में बिजी हो गए। अच्छा, बिजी। हाँ जी, ठीक है। व्याह तो पहला दी जिंदगी के हो जी सी, तो व्याह तो बाद दी जिंदगी के हो जी होगी कुड़ी ते, क्योंकि सब तो बाद जिंदगी बदलती है ना व्याह तो बाद, एकदम से पूरी लाइफ चेंज होगी। पहले घर में बैठे रहना है, मुँह से निकालना खाना पीना, बैठे रहो, काम नहीं करना। थोड़ा बहुत करती थी मैं काम, मम्मा कराते ही नहीं थे। अब यहाँ पे भी आके थोड़ा मुझे पहले प्रॉब्लम हुई, काम नहीं आता था, फिर इनकी मम्मा ने सिखाया, धीरे धीरे सब सिखा दिया उन्होंने, ऐसे नहीं बोला कि काम नहीं आता, उन्होंने खुद सिखाया, फिर मैंने सीख लिया सारा काम धीरे धीरे। ਦੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਏ ਦੇ ਲੋ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚਾਏ ਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰੌਂਠਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, जिवें तुसी ना मतलब विआह करवा लिया ना, हुण खुश भी हो, ये दसो जिदा मतलब कि नॉर्मल हसबेंड वाइफ दे विच लड़ाई झगड़े तो होंगे रहते ना, लड़ाकू कौन है दोनों चो? यही है जी, लड़ते रहने। घर वाली लाल भी लड़ते रहने। हाँ जी, हाँ जी। लड़न के कारण बस रोटी का कारण है जी।
ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ 11-12 ਵਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦੂਗੀ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ इसलिए लड़ते हैं मम्मी और कहते हैं तुम ना कट्ठे रोटी खाया करो अलग अलग खाया करो लड़ने लग जाते हो। अच्छा होर फैमिली दे विच कौन कौन है थोड़े? हां जी इनके आ थोड़े हुण सारा परिवार च? हाँ जी मम्मा है, चाचू पापा रहते हैं, एक इनकी सिस्टर रहती है। जॉइंट फैमिली है? हाँ जी एक ब्रदर और भाभी रहते हैं, उनका काका हुआ अभी 2 दिन ही हुए। अच्छा आज देखे ऐसी वीडियोस पहला तो जी उन्हीं का काका है वो। अच्छा सारे कहते हैं मेरा काका है। दर्शकों दस दो कि हूँ ब्याह होया? हाँ जी उनका काका है मेरी भाभी और भैया का। ओके वो सपोर्ट करते हैं? हाँ जी वो भी करते हैं। अच्छा जी पूरी फैमिली करते हो, कहते बनाया करो। ठीक है ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਵੀਰ ਕੋ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਗਾਣਾ। मेरे जहे पापी नू दुखा दे साथी नू ए दे जही जन्नत मिल गई। तुसी और मैं क्या कहूं तू मेरे मेरी जिंदगी खराब की। जिंदगी खराब कर दी कैसी जिंदगी? मजाक कर रहे। अच्छा नहीं वैसे कोई गाना है ना नहीं डेडिकेट करना चाहो? हाँ जी हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या मौजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्या बात है, बहुत ही प्यारी जी जोड़ी है थोड़ी जिंदगी के लिए। तो असि अपने चैनल के जरिए थोड़ा बेस्ट विशेज दें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सू इन्ना प्यार देने। सो बहुत ही प्यारे जी कपल के नाल तुहाडी मुलाकात करवाई गई। सो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों साडी इह वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो में शेयर कर दिओ ते नाल दे नाल इस वीडियो बाबत अपनी राय साडे कमेंट बॉक्स में सानू लिख के जरूर भेजियो। धन्यवाद।